2 दिन से लोग पूछ रहे हैं कि भाई बैक टू बेसिक वाला स्पाइडरमैन का यूनिफॉर्म खरीदें या ना खरीदें, तो थोड़ा सा टाइम लगता है यार। जैसे ही अपडेट आता है तुरंत हम नहीं बता पाएंगे, हाँ ठीक है हमने खरीद लिया, हमने Tier 4 कर लिया, लेकिन प्ले करने का टाइम तो दो, थोड़ा सा टेस्ट करने का टाइम तो दो। ठीक है, तो आज हम फाइनली आपको बताने वाले हैं 2 दिन के बाद कि ये यूनिफॉर्म बाई करने लायक है या नहीं। 7 दिन का सेल रहता है यार, जल्दबाजी मत करो। चलो यहाँ पे हम बात करेंगे ये यूनिफॉर्म बाई करना है या नहीं करना है। तो देखो इस सवाल का जवाब अगर आपको जानना है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, सिंपल है, एकदम सिंपल है। कंपेयर करो आप इन दोनों यूनिफॉर्म को। कुछ लोग बोलते हैं भाई नो वे होम का यूनिफॉर्म मेरे पास है तो क्या मुझे बैक टू बेसिक वाला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा इन दोनों में फर्क क्या है। अगर आप स्किल में जाओगे और स्किल डिफरेंस देखोगे तो आपको सीधा सीधा नजर आएगा कि बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा ये इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि प्ले स्टाइल चेंज है, डैमेज चेंज है, बहुत कुछ चेंज है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे अच्छे से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये जो नो वे होम वाला यूनिफॉर्म है इसके 3rd स्किल में हमको मिल रहा है एकुमुलेशन, और ये पूरा तान के रस्सी उसके बाद में छोड़ना है तब जाके फुल एकुमुलेशन मिलेगा हमको। ठीक है, और इसके बाद में यहीं पे हमको मिल रहा है ऑल डैमेज इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी और एकुमुलेशन हमको मिल रहा है 3rd स्किल में। और 4th स्किल, अगर आप इसका 4th स्किल देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में डैमेज नहीं है, ये देखो डैमेज अब जाके शुरू हुआ है। ठीक है, तो टाइमलाइन बैटल में हम क्या करते हैं, 4 स्किल को कैंसिल करके 5 स्किल से डैमेज देते हैं, क्योंकि जब हम 4th स्किल को कैंसिल करके 5 स्किल में जाएंगे तो हमको पेनिट्रेशन और आइफेनम इग्नोर 5 स्किल में मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 5 सेकंड के लिए पेनिट्रेशन और 5 सेकंड के लिए आइफेनम इग्नोर मिलता है 4th स्किल से, जो कि ट्रांसफर होकर 5 स्किल में चला जाता है। और यही हम करते हैं कि 4 कैंसिल 5 करते हैं टाइमलाइन बैटल में और अपने 5 स्किल से मारते हैं सामने वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 स्किल में क्या है आप देख लो, 5 स्किल में इसके पास में है डैमेज इंक्रीज का बफ, 100% डैमेज इंक्रीज बस, और कुछ खास तगड़ा वाला नहीं है। 20 का एक बैरियर है 20 टाइम का, लेकिन इससे कुछ इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा नए वाले यूनिफॉर्म में क्या कुछ है। यस, आपने देखा यहाँ से ध्यान से क्या क्या है, हमको मिल रहा है इम्यूनिटी और एकुमुलेशन 3rd स्किल में, 4th स्किल में पेनिट्रेशन आई फ्रेम इग्नोर है लेकिन हिट नहीं है, तो मतलब उसको कैंसिल करना है। ठीक है, और 5 स्किल में डैमेज देना है और 5 स्किल में हमको मिल रहा है 100% का प्रॉक। अब देखो ये नए वाले यूनिफॉर्म में क्या है, बैक टू बेसिक वाले यूनिफॉर्म में क्या है, 3rd स्किल में हमको क्या मिल रहा है। देखो पहले तो हिट है काफ़ी सारा, और दूसरा यहाँ पे देखो इंक्रीज ऑल बेसिक अटैक बाय 50% का। तो अगर हम 3rd स्किल यूज नहीं करेंगे टाइमलाइन बैटल में तो भी चलेगा, और जैसा कि सबको पता है टाइमलाइन बैटल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि हम सारे स्किल यूज कर लें। ठीक, तो देखो यहाँ पे 3rd स्किल के बारे में हो गया, अब चलो 4th स्किल देख लेते हैं। 4th स्किल में ध्यान से देखना, ये देखो जैसे ही मैंने 4th स्किल दबाया और ये हिट चालू हो गया, ये हिट स्टार्ट हो गया, और देख रहे हो हिट, इतना हिट है इसके पास में 4th स्किल में कि सामने वाले को मार सकता है। और इसी स्किल में आपको मिल जाएगा एकुमुलेशन, जो अभी 3rd स्किल में था अब ये आ गया है 4th स्किल में, और फुल आ गया है, मतलब तुरंत मिल जाएगा 1.2% इंक्रीज वाला एकुमुलेशन, आपको वो खींच के नहीं रखना है। और पेनिट्रेशन भी मिल रहा है, आई फ्रेम इग्नोर भी मिल रहा है। अब देखो यहाँ से पेनिट्रेशन ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन आई फ्रेम इग्नोर ट्रांसफर नहीं होगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हो 5 सेकंड के लिए पेनिट्रेशन मिल रहा है लेकिन आई फ्रेम इग्नोर 1 सेकंड का भी नहीं है, जब तक ये स्किल चलेगा तब तक रहेगा, दूसरे स्किल में गए तो पेनिट्रेशन खत्म। समझ में आ गया। अब देखो इसके 5th स्किल में क्या है, 5th स्किल में इसके पास में है इनविंसिबिलिटी और ऑल अटैक ऑल डिफेंस का बफ 30% का। ठीक है, इंक्रीज बेसिक डैमेज बाई 100% फॉर 1 अटैक, तो इसमें भी प्रॉक है लेकिन इसमें इनविंसिबिलिटी आ गया है और इसमें ऑल डैमेज ऑल डिफेंस का इफेक्ट आ गया है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि इम्यूनिटी से ज़्यादा बेटर होता है इनविंसिबिलिटी, इम्यूनिटी से ज़्यादा बेटर इसलिए होता है, देखो डैमेज तो दोनों में नहीं देंगे सामने वाले, ठीक है पेनिट्रेशन ही करना पड़ेगा, इम्यूनिटी को भी पेनिट्रेट करना पड़ेगा, इनविंसिबिलिटी को भी पेनिट्रेट करना पड़ेगा, लेकिन फ़र्क ये रहता है कि इम्यूनिटी जब रहेगा आपके पास तो सामने वाला आपको मार पाएगा। ठीक है, आपको लगेगा उसका हिट, लेकिन जब इनविंसिबिलिटी रहेगा तो आपको लगेगा ही नहीं, आप इनविंसिबल हो जाओगे और आप उसको दिखाई ही नहीं दोगे तो वो आपको मार नहीं पाएगा। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये होता है, देखो ये देखो इनविंसिबिलिटी है और ये पार हो जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सामने से जब गौर यूज करेगा अपना विदाउट पेनिट्रेशन वाला स्किल तो आपको सुपर गार्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, जीन ग्रे सुपर गार्ड ब्रेक नहीं कर पाएगी जब तक कि वो पेनिट्रेशन वाला स्किल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए कितना ज़्यादा फर्क है इन दोनों के स्किल में। तो ये तो स्किल डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेना है या नहीं लेना है या फिर कैसा है ये। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कितना तगड़ा है ये, कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस तो हमको समझ में आ गया, फ़र्क है ये सब ऐसा,
लेकिन कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो आप अगर देखोगे दोनों का कंपैरिजन करके, दोनों का स्किल कूल डाउन का कंपैरिजन करके, जो जो आपको 5 स्किल है पुराने वाले यूनिफॉर्म में, जो 5th स्किल है उसका कूल डाउन है 18 सेकेंड का, और इसके 5th स्किल का कूल डाउन है 15 सेकेंड का। ठीक है, हाँ मतलब उसके 4th स्किल का कूल डाउन 9 सेकेंड है, लेकिन इसमें 12 सेकेंड है, और 12 सेकेंड भी ज़्यादा नहीं होता है। हमको 4th स्किल में ही डैमेज देना है, जबकि उस वाले में 4th स्किल में डैमेज नहीं देना रहता है, 5 स्किल में डैमेज देना रहता है। मतलब हर 9 सेकेंड के बाद हम 5 स्किल यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इसका 4th स्किल हम हर 6 सेकेंड में यूज़ कर पाएंगे। तो थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंट है मारने के लिए, सामने वाले को जल्दी मार पाओगे आप, फटाफट रेडी हो जाता है। ठीक है, ये फ़र्क हो गया स्किल कूल डाउन का। अब डैमेज कितना अच्छा दे रहा है, कितना बढ़िया इसका 4th स्किल का डैमेज है, क्या हमको लेना चाहिए ये यूनिफॉर्म या नहीं लेना चाहिए। तो एक चीज़ सीधा सीधा समझ लो कि ये स्पीड टाइप का हल्क है। यस, ये है स्पीड टाइप का हल्क। अब आप बताओ हल्क को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए टाइमलाइन बैटल के लिए। अगर हल्क को बाई करना चाहिए तो स्पाइडरमैन को भी बाई करना चाहिए, समझ गए। और हल्क से भी थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको बेटर समझ सकते हो, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बेटर ही है, लेकिन काइंड ऑफ बेटर है। यस, समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखो ये इसका 4th स्किल देखो, इसका 4th स्किल देखो, 70% चांस टू पेनिट्रेट, 70%। ठीक है, एकुमुलेशन भी है और यहाँ पे आपको मिल जा रहा है रिमूवल डिबफ का इफेक्ट भी। ठीक, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ हल्क का स्किल, हल्क के 4th स्किल में क्या है। ये देखो, ये है हल्क का 4th स्किल, आई फ्रेम वगैरह है। ठीक है, आई फ्रेम इग्नोर वगैरह, और इसका पेनिट्रेशन है ओनली 33%, ओनली 33%। तो ये स्पाइडरमैन जो है ना वो बहुत तगड़ा डैमेज देता है सेम टू सेम, और पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा। हल्क में तो चांस है कि पेनिट्रेशन ना हो, लेकिन इसमें बहुत और ज़्यादा कम चांस है कि सामने वाला ऐसा हो कि मिस हो जाए। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे 70% चांस है पेनिट्रेशन का, जबकि हल्क में 33% है। तो ये बेटर वाला हल्क है, स्पीड टाइप वाला, समझ रहे हो। अब यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, टाइमलाइन बैटल में यूज कैसे करना है, अगर आपको खरीदने का इंटरेस्ट आ गया है तो। हाँ, क्यों नहीं आएगा भाई इंटरेस्ट, और क्यों नहीं खरीदना, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया है मस्ट बाय यूनिफॉर्म है, क्योंकि अगर हल्क मस्ट बाय यूनिफॉर्म है तो स्पाइडरमैन क्यों नहीं हो सकता, स्पाइडरमैन मस्ट बाय क्यों नहीं हो सकता अगर हल्क मस्ट बाय है, जबकि इसके पास अच्छा इफेक्ट है, समझ रहे हो बात। अब इसको यूज कैसे करना है, आपको सिंपली यूज करना है 5 कैंसल 4। यस, 5 को कैंसिल करके 4 पे लाओगे तो ये 100% का जो डैमेज इंक्रीज वाला इफेक्ट है ना, ये आपका 4th स्किल में चला जाएगा। तो देखो, जो हल्क में 100% का डैमेज इंक्रीज मिल रहा था ना, इंक्रीज बेसिक डैमेज बाई 100%, इसको भी मिलेगा, लेकिन कहाँ से, अपने 5 स्किल से। ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटर वर्जन ऑफ हल्क है। और यहाँ पे देखो इनविंसिबिलिटी है इसके पास, 5th स्किल में इनविंसिबिलिटी है, और हल्क के भी 4th स्किल में इनविंसिबिलिटी है। समझने की कोशिश करो, ये काइंड ऑफ बेटर वर्जन ऑफ हल्क है। हाँ, लेकिन ये है कि स्पीड टाइप का है तो इसका एचपी वगैरह थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि स्पीड टाइप वाले कैरेक्टरों का एचपी कम ही रहता है। ठीक है, वो मतलब खानदानी वो है उनका। ठीक है, तो डैमेज वाइज सेम टू सेम हल्क समझो, जैसे आप हल्क को प्ले करते हो, जिस हिसाब से भाग के 4th स्किल यूज करके सामने वाले को मारते हो, सेम टू सेम वैसे ही स्पाइडरमैन से प्ले करना है। आपको भागना है, 4th स्किल रेडी करना है, 5 स्किल रेडी करना है, और एक बार आपने 5-4 कर दिया तो भाई जीन बाय बाय टाटा, चाहे उसके पास कुछ भी हो, समझ गए। तो ये बेटर वर्जन ऑफ हल्क है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये यूनिफॉर्म खरीदना है या नहीं खरीदना है, या फिर कितना ज़्यादा फर्क है पुराने वाले यूनिफॉर्म से। यस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। टाइमलाइन बैटल में तो आप पुराने वाले यूनिफॉर्म से सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे यार, मारने की तो दूर की बात है। ठीक है, हाँ मतलब अगर आपके पास अथॉरिटी है माइटी वाला पुराने वाले यूनिफॉर्म के साथ में, तो हो सकता है थोड़ा बहुत काम निकाल लो, लेकिन भाई मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो ये है मेरा कंक्लूजन, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको पसंद भी आया होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।